इंडियन आर्मी, देश की रक्षा करने के अलावा इनका एक और भी काम है, यूट्यूबर्स के व्यूज बढ़ाना। इतने तो किसी आर्मी ऑफिसर की सैलरी नहीं होगी जितने इन यूट्यूबर्स ने उनपे वीडियो बना के कमा लिए। वैसे तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे होंगे इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, 6.9 करोड़ व्यूज। कितने दिनों बाद आज स्कूल को देखा है, बचपन की याद आ रही है। 26 जनवरी आ रही है, ये बहुत खुशियां मना रहे हैं ना, इस बार ये खुशियों की जगह मातम मनाएंगे। यार कुछ तो लेवल रखो यार आतंकवादी का। आतंकवादी का नहीं सही तो इंडियन आर्मी का तो कुछ लेवल रख लो यार। एक कागज मारा और बाइक पे से गिर गया। ये आतंकवादी पक्का डेली 72 यूरो को 72 बार याद करता होगा, तभी इतना कमजोर था। तुझे क्या लगा था तू हमारे देश को और भारत माँ को यूं ही तकलीफ पहुंचा देगा? अरे भाई देश को नहीं, बस वो तेरे प्राइमरी स्कूल के बाहर अपना जिम बैग रख के चला गया। इतना सीरियस क्यों हो रहा है? भारत माता की। वेरी इमोशनल। इस वीडियो को देख के तो अर्चना पूरन सिंह भी रो देगी। ले जाओ मेरे 1,00,000 इंडियन आर्मी के नाम पे, ले जाओ, मुझे रुला दिया। हेलो कैप्टन, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है बॉर्डर के आसपास कुछ आतंकवादी मौजूद हैं, सतर्क रहें। देश के किस कोने में है बॉर्डर जहाँ पे कम्युनिकेशन भी हो पा रहा है इजीली? भाई ये किसके खेत में पैरा दे रहे हो तुम? रामपाल और सुदेश पाल के खेत की डोल को बॉर्डर बना के फुलफिल ले रहे हैं लोंडे। देख लेना कहीं बॉर्डर पार से कोई लोटा लेके ना निकल जाए। सुनो साथियों, अब तक तो उन फौजी को पता चल चुका होगा कि हम उनकी सीमा में घुस चुके हैं, तो सबके सब सावधान रहे। ठीक है भाईजान, चलो। रुको भाई, ये अपने बंदे को तो देख लो, इसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये ठीक है बोल के निकल गया कि जाओ तुम बम फोड़ो, और ये इनको देख लो तुम ये बॉर्डर पार कैसे कर रहे हैं। एक के हाथ में चलो पिस्टल है, ठीक है, दूसरे के हाथ में ईंट। भाई ये सच में अकेला ईंट लेके काफी भारी पड़ सकता है भारतीय सेना पर। बॉर्डर पर मिस्त्री लगे हुए हैं, ये शायद किसी छोटे से देश की चिनाई चल रही होगी। साथियों वो देखो फौजी, भागो। एक काम करो, सारे अलग अलग फैल जाओ। फैलने के नाम पे जो रायता फैलाया है ना तुमने, मैं अगर 2 बूंद पानी भी डाल दूं ना वो भी इससे ज्यादा फैल जाएगा। तूने क्या सोचा आतंकवादी, तू हमारे देश की सीमा पार करके हमारे देश में घुस जाएगा? भाई भाई कहां से कैप्टन है, इसके लक्षण तो देख लो। तूने क्या सोचा आतंकवादी, तू हमारे देश की सीमा पार करके हमारे देश में घुस जाएगा? कानपुर की गलियों में पान तस्करी करने वाले करते हैं ऐसी बात। पाकिस्तान मीडिया आज तक इंडियन आर्मी को जितना डिफेम नहीं कर पाया ना, ये लोग हर दूसरी वीडियो में कर देते हैं उससे भी ज्यादा। और जैसा तुम इंडियन आर्मी को दिखा रहे हो ना भाई, अगर इंडियन आर्मी ऐसी होती तो ना तो तुम्हारे हाथ में कैमरा आता और ना किताब। भाई ये इंडियन आर्मी प्राउड पे वीडियो तो बना रहे हो, पर एटलीस्ट कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। नहीं बनाने को मना नहीं कर रहे, बट कुछ तो क्लास होगी हमारी आर्मी की। ये प्राउड वीडियो कम और पैरडी ज्यादा लगती है। मुझे शर्म आती देखते हुए इन वीडियोस को, कहीं झंडा टांग दिया, कहीं वीडियो के नाम पे हग दिया, फिर बोलते हैं इंडियन आर्मी के लिए लाइक ठोको। और जो लोग इनके कमेंट सेक्शन में भी प्राउड फील करते हैं, उनके आईक्यू के लिए तो मेरे और मेरे प्रियजनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। साहब जी एक बार फिर सोच लो यार, वो आपका भाई है। नहीं भाई, जो मैंने सोचा है वही होगा। मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ, एक बार तुम तुम्हारे भाई से बात कर लो। मैं तुम्हारे लिए फोन लाया हूँ, लो बात कर लो। रूल रेगुलेशन, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, घर पे तो टाइम लगता नहीं होगा, भी सरहद पे बैठे हुए अपने भाई से बात करो टेंशन फ्री। हेलो भैया, आप चाहते तो मुझे यूक्रेन से भारत बुलवा सकते थे ना? हाँ मैं चाहता तो मैं तुझे भारत बुलवा लेता। प्लेन का पूरा कंट्रोल आप लोगों के पास था, वो प्लेन में सिर्फ 50 सीटें ही खाली थी और हम बस 51 स्टूडेंट्स थे। 51? हाँ भाई पता चल रहा है, पक्का यूक्रेन से MBBS ही कर रहा है। बस किसी भी तरह वीडियो में ट्रेंडिंग टॉपिक घुसाना है, सिर्फ इमोशंस नहीं थोड़ा लॉजिक भी यूज कर लो। और कौन से बॉर्डर पर हर वक्त सैनिक लेटे ही रहते हैं, और कौन से देश में MBBS वाले हर वक्त व्हाइट कोट पहन के घूमते हैं? इन वीडियोज के स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ना, जो आपका प्रोफेशन है आप उस प्रोफेशन के ही आउटफिट में हमेशा घूमे रहे, हगे मूते, बस वो आउटफिट नहीं निकलना चाहिए, सो भी उसी में जाओ, स्वागरात में भी उस पर ही पहुंच जाओ। देखो इन लोगों ने तो बिना कोई फॉर्म भरे, बिना कोई रिटन फिजिकल एग्जाम दिए अपनी भर्ती खुद कर ली, लेकिन आपकी भर्ती का क्या? हाँ मैं जानता हूँ जॉब हंटिंग अपने आप में एक बहुत टायरिंग प्रोसेस है, बट अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ एक फ्री टेस्ट देके अपने हिसाब का जॉब घर बैठे पा सकते हैं, अब आपको ये कोई रैंडम एडवर्टाइजमेंट लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ही जॉब पाई है निशा, शुभम, सार्थक जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने। ये है रिलेवल बाय अनअकैडमी के कैंडिडेट्स, इन सब की अपनी अपनी स्टोरीज हैं। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रिलेवल के जरिए। शुभम ने भी UPSC की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना करियर स्टार्ट किया रिलेवल के टेस्ट के थ्रू। आप चाहे फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे है तो रिलेवल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 प्लस कंपनीज हायर करती है रिलेवल के जरिए, और आप इन सबके लिए एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और तो और प्लेस कैंडिडेट्स को गुडीज मिलती है रिलेवल की तरफ से, और लास्ट मंथ ही 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर हुए हैं एवरी डे, एंड इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स के तो होर्डिंग्स भी दिख जाएंगे आपको अक्रॉस इंडिया। कुछ दिनों पहले रिलेवल ने 5 नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए, इसका मतलब अब आप 18 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब ले सकते हैं अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मेनी मोर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है
करियर का स्टार्ट ही आपके पूरे करियर की जर्नी डिफाइन करता है। अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अपनी पसंद का जॉब चाहते हैं तो आज ही रिलेवल पे साइन अप करें। ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई एक्सपीरियंस, सिर्फ स्किल्स। यार आज कितनी ठंड है यार, वो देखो सर कितनी ठंड में भी ड्यूटी कर रहे हैं। वो सच में आर्मी वाला है या चौकीदार है जो तुम्हारे घर के बाहर ड्यूटी दे रहा है, या तुम्हारे पापा ने माउंटेन ड्यू पी के सोचा कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, शरद पे घर बना दिया। उनके घर के बाहर आर्मी वाले घूमते रहते हैं, ड्यूटी देते रहते हैं। इनकी वीडियोस में लॉजिक उतना ही है जितना इंस्टाग्राम कॉमेडियंस की रील्स में कॉमेडी। सर आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप घर चले जाओ ना। नहीं बेटा, मेरे लिए मेरी ड्यूटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये दवाई खा लो, आपको बुखार आ रहा है ना, ये जैकेट भी पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी। हाँ भाई, इंडियन आर्मी तो इतनी बुरी है ना, तो वो अपने सैनिकों को कपड़े देती ठंड के, ना उन्हें दवाई देती, और बीमारी में भी ड्यूटी करवाती है। भाई प्लीज इस लोंडे से कोई आर्मी वाली कॉस्ट्यूम ले लो, वरना ये अकेला काफी इंडियन आर्मी का मजाक बनवाने को। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू इंडिया, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। अरे बस कर भाई, कितना सैल्यूट करेगा इंडियन आर्मी को, इतना तो इंस्टाग्राम मीम पेजेस मीम रीयूज नहीं करते जितना तू ये टाइटल कर रहा है। भैया इस बार बहुत दिनों के बाद आए हो, आपको जल्दी नहीं जाने दूंगा इस बार। हाँ छोटे, इस बार मैं जल्दी नहीं जाऊंगा। सच बताऊं तो भाई, इस हाइट के साथ इंडियन आर्मी तो छोड़, इंडियन चाइल्ड ड्रामा में भी तेरे को कोई नहीं लेगा। एटलीस्ट जिसकी हाइट लंबी थी उसको आर्मी के कपड़े पहना देते। यार तुम्हारी वीडियो के तो कोई नॉर्म्स नहीं होते, बट इंडियन आर्मी का तो कोई क्राइटेरिया है गुरु, उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो यार। ये क्या है? अरे यार ये स्क्रिप्ट वाले आतंकवादी भी ना, छुट्टी से घर आता हुआ जवान देखा नहीं कि उसके आगे बम फेंक के चला गया। चलो माना तुम इलॉजिकल यूट्यूब वीडियोस में काम करते हो, बट थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो। बम फोड़ने वाला आदमी बम छुपा के जाता है, ये नहीं कि छुट्टी से घर लौटते हो जवान के सामने फेंक के चला जाएगा। ये तो बॉम्ब है। अरे ये तो साक्षात आंखों में एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हैं, पोटली देख के ही बता दिया पोटली के अंदर क्या है। इनके घर वालों को तो कभी रिपोर्ट्स के लिए लैब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। बेटा जरा एक बार हाथ को एक्सरे करके बताना तो अपनी नजरों से, देखियो कहीं हड्डी में बाल वाल तो नहीं आ गया मेरे। छोटे तो रुक, मैं अभी आया। भैया भैया भैया, अच्छा तो अब मैं क्या करूं, बॉम्ब इससे 2 फीट ऊपर फटा और ये मस्त आके फिर पोज दे रहा है अक्षय कुमार। भाई जब बॉम्ब इतना भी नुकसानदायक नहीं था तो फिर इतनी टेंशन लेने की क्या ही जरूरत थी। कोई बच्चा खेलता वेलता अपने दिवाली का सुतली बॉम्ब बैग में रख के चला गया होगा, और ये हमारा फेक स्क्रिप्ट वाला फौजी जबरदस्ती फुटेज लेने के चक्कर में उसको उठा के फेंक रहा हूं मैं। किसी के बाग से चोरी के आम खाने के बाद ऐसे ही पेट दर्द होता है। भाई वो तो कार्मी वाले को चोट लग गई। अरे चल यार उसकी हेल्प करते हैं। पागल है क्या, इन चक्कर में मत पड़। वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के हमारे देश की रक्षा करते हैं और आज तू उनकी सेवा करने के लिए भाग रहा है। मुझे तो शर्म आती है कि तू हमारे देश का नागरिक है। रुक जा भाई मैं भी चलता हूँ। ये एकदम इस एहसान फरामोश के हाथ में पानी की बोतल कहाँ से आई, इससे पहले वाले सीन में तो थी नहीं। अच्छा अब आर्मी ऑफिसर को पानी पिलाने वाला सीन होगा पक्का। अबे पूछ तो ले एटलीस्ट क्या हुआ साहब, सीधा पानी उड़ेल रहा है उसके मुंह में। और ये कौन सा आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रहा है, ये जगदीश टेलर की बनाई हुई नकली यूनिफॉर्म है। कैमोफ्लाज पैटर्न देखा नहीं कि चल दिया बस आर्मी वाला समझ के सेवा करने। आप हमारे साथ चलो, हम आपका इलाज करवाते हैं। हमेशा अपने देश के वीर जवानों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नहीं भाई तुम देसी ठर्रे के नशे में दूत अपने दोस्त को कंधे पे लटका के ले जा रहे हो, इसमें वीर जवानों की रिस्पेक्ट और एक लाइक कहां से आ गया। अगर तुम सच में आर्मी की रिस्पेक्ट करते हो ना तो भाई प्लीज ये चैनल डिलीट कर दो। आज मैं घर आ गया हूं तो घर वाले बहुत खुश। नहीं 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 नहीं, अगर ये इन कपड़ों को भी आर्मी की यूनिफॉर्म की तरह दिखाना चाह रहा है ना तो मेरा हो गया भाई, मेरा, मेरे को नहीं खेलना यार। इस तरह तो अपनी शादी का 3-पीस सूट पहन के आ जाएगा कि हाँ मैं आर्मी वाला हूँ, मुझे अब आर्मी वाला कंसीडर करो। कुछ भी हो रहा है यार, इस पैटर्न के कपड़े पहन के कोई भी आर्मी वाला बन के घूम रहा है। और आज 26 जनवरी को हमें ये बम किसी भी हाल में ब्लास्ट करना ही होगा। फौजी छुट्टी पे जाता देखा नहीं, फिर आ गया बम लेके, वो भी चप्पल पहन। आतंकवादी को इतना बड़ा टास्क करना है लेकिन फिर भी अपना कम्फर्ट देख रहा, चप्पलों में ही आए। आज इसे शहर के बीच में ब्लास्ट करेंगे। अरे ये लोग तो आतंकवादी लग रहे हैं और बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। चलो जाकर देखता हूँ। एक देश के सिपाही के लिए आप इस वीडियो को कितने स्टार दोगे? देश के वीर सिपाही के लिए तो मैं 5 में से 5 दे दूंगा, पर जो तूने अभी देश का वीरिया जैसा वीडियो बनाया है ना, इसके लिए मुझे 5 सूद हिंदी में गाली देने का बहुत मन कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान का आपस में 4 वॉर और चाइना के साथ 1 वॉर हुआ है, लेकिन इन यूट्यूब वीडियो वालों ने इतने वॉर करा दिए कि इतने तो टोनी कक्कड़ पे रोस्ट वीडियो नहीं बने। इनकी सुबह की चाय एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ होती है, दोपहर का खाना एक टेरर अटैक के साथ होता है, और शाम की चाय एक वॉर के साथ होती है। मुझे समझ नहीं आता है यूट्यूबर्स हैं हमारे प्यारे पड़ोसी।
ये हाथ में बंदूक लिए खड़ा है अपनी नुन्नी यार, बॉर्डर की कुछ तो गरिमा रखो। ये इतनी सी के साथ बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा है तू देश की? मीनोपोज लगने के बाद भी इंसान की खुद की पिचकारी से ज्यादा लंबी होती है। और ये देखो, आज सोल्जर चप्पलों में ही ड्यूटी देने आए हैं। जिस हिसाब का इनका बजट है ना, ये मुझे अपनी आर्मी कम और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड ज्यादा लग रहा है। अरे यार, मेरा पैर तो लैंडमाइन के ऊपर आ गया। अबे घास के बीच में भैंस गोबर कर गई होगी, वही सख्त सख्त सा फील हो रहा होगा। आया बड़ा लैंडमाइन, तुम्हारे गांव में लैंडमाइन लगाने का खर्चा भी कौन करेगा? अरे चंदन क्या हुआ? सर यहाँ पे कुछ आतंकियों ने लैंडमाइन लगाया सर, आप चले जाइए सर। एक एक्सप्रेशन एक बार में दे ले यार, इतना क्यों कंफ्यूज्ड है? या तो शॉक्ड फील कर ले या प्राउड फील कर ले, ऐसा मुंह बना रहे जैसे पहली बार पथरी का मरोड़ा मारा हो। क्या हुआ सोल्जर? सोल्जर भाई बिना रिटन टेस्ट वाली भर्ती है ना, पक्का वही वाली भर्ती है ना। छुट्टी चाहिए सर, माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं। यार तू आर्मी में दिखाया गया, ह्युंडई मोटर्स में गाड़ी पे कपड़ा मारने की नौकरी नहीं है कि जब मन करा हाफ डे ले लिया, छुट्टी ले ली। भाई एप्लीकेशन वेप्लीकेशन कुछ तो होता होगा। सॉरी सोल्जर, आपको छुट्टी नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपको एक माह पहले ही छुट्टी दिया गया था। करना सर का आदेश है कि आपको छुट्टी ना दिया जाए। जय हिंद सर। जय हिंद। ऐसे इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद। कहा जाऊंगा मैं इतनी इमोशनल वीडियोस देख के? ले जाओ मेरे से 700-800 सैल्यूट इंडियन आर्मी के नाम पे, ले जाओ। पापा आ गए। हाँ बेटा, कैसा है बेटा? सौ दर्द से। हेलो सर, बॉर्डर पर हमला हुआ है, आपको अभी क्या भी आना पड़ेगा? ठीक है, बॉर्डर पे हमला हुआ है तो सभी फौजियों को पर्सनली कॉल करके बुलाएंगे। और इस वीडियो में एक और बहुत तगड़ा पार्ट है। कैसा है बेटा? सौ दर्द। हाँ, बाप महीनों बाद ड्यूटी पे से आया है, बेटा कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मोबाइल में मगन है। वेरी नाइस। वैसे ये बेटा हर बार हमारे इस नकली फौजी का बचपन बनता था, बट इस बार मल्टीवर्स ऑफ सैड आर्मी वीडियोस है तो इस बार ये इसका बच्चा बना है। हेलो बेटा, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पर तू मुझसे एक वादा कर कि तू भी बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर ही बनेगा। पापा आप रखो फोन, मुझे नहीं बनना कोई आर्मी ऑफिसर। यहाँ जंग चल रही है और ये घर पे अपने बच्चे को फोन करके उसकी करियर काउंसलिंग कर रहा है। ये हुई ना एकदम रिलेटेबल हैशटैग रिलेटेबल वीडियो। क्या हुआ भाई, पापा क्या बोल रहे थे? तुझे किचन में जाके बर्तन धोने को बोल रहे थे। सो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मेरी यही रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि भैया हमारी आर्मी की कोई क्लास है, कोई स्टैंडर्ड है, लोग उनके काम की वजह से, उनके सेक्रीफाइस की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनके लिए या उनके ऊपर उनको डेडिकेट करके कोई वीडियो बना रहे हो तो एटलीस्ट उसका कोई स्टैंडर्ड तो रखो। ठीक है, ऐसा मत करो कि हमारे दुश्मनों को भी उनकी इंसल्ट करने का मौका ना मिला, वो काम आप ही कर दो। ये वीडियोस हमारी आर्मी के लिए डेडिकेशन कम और उनकी पैरोडी उनका मजाक ज्यादा लगती है मुझे। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारे एक व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स के नाम से अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करें। बाय बाय।